बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम। स्टेशनरी वेव जो हैं वो एयर कॉलम में भी क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं। तो आज हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन आर्गन पाइप, क्योंकि पाइप होते हैं उन पाइप्स में जो है वो वेव जो है वो क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है ओपन आर्गन पाइप, दूसरी है क्लोज आर्गन पाइप। तो ओपन आर्गन पाइप का जो शेप है वो किस तरह से होता है वो ज़रा मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ कि ओपन आर्गन पाइप जो है हमारे पास उसका जो शेप है वो इस तरह से होता है। ऐसा पाइप जिनके दोनों एंड्स क्या होते हैं, ओपन होते हैं, तो ऐसे पाइप को ओपन आर्गन पाइप कहा जाता है। इसके जो हैं दोनों एंड्स क्या होंगे, ओपन होंगे, ये ओपन आर्गन पाइप हो गए। मैं लिख देता हूं दोबारा से, ओपन आर्गन पाइप। उसके बाद दूसरी जो है टाइप पाइप की वो है क्लोज आर्गन पाइप, जिनमें यानी कि वेव क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं। तो ये हमारे पास जो है उसकी शेप कुछ इस तरह से होगी, जिसकी एक एंड क्या होगा, क्लोज होगा और एक एंड ओपन होगा। इस तरह के पाइप को क्या कहा जाता है, क्लोज आर्गन पाइप। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं ओपन आर्गन पाइप के बारे में कि ओपन आर्गन पाइप होता क्या है, उसमें फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशंस क्या होती है, किस तरह से वेव ट्रेवल करती है। तो ज़रा हम पढ़ते हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन कि हमारे पास फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो किस तरह से कैलकुलेट होगा। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में हमें इस तरह से क्या करेंगी, हमें वेव मिलेंगी, इस तरह से हमें क्या मिलेंगी, एक वेव मिलेंगी। तो इन वेव को हम जरा देखते हैं, ये हमें क्या मिला है, नोड मिला है, और ओपन साइड पे हमें क्या मिल रहा है, एंटी नोड मिल रहा है। ये नोड, ये भी एंटी नोड है और ये भी क्या है, एंटी नोड। यहां से हमें ये भी पता लग गया कि ओपन साइड पर हमें क्या मिलेगा, एंटी नोड मिलेगा। ठीक हो गया। अब जरा इसे एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, वो एल है। दो एंटी नोड्स के दरमियान जो फासला होता है वो कितना होता है, लैम्डा बाय टू। दो एंटी नोड की बात कर लें या दो नोड्स की बात कर लें, उनका दरमियान का जो फासला होता है वो कितना होता है, लैम्डा बाय टू। अब यहाँ पर हम फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लैम्डा वन ले लेंगे। तो हमारे पास जो लेंथ की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, लैम्डा वन बाय टू हमारे पास जो है वो आ जाएगी। अब हमने करना ये है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, v इज इक्वल टू एफ वन लैम्डा वन। ये एफ वन लैम्डा वन क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास जो वेव लेंथ है लैम्डा वन है, इसलिए हम फ्रीक्वेंसी भी एफ वन कैलकुलेट करेंगे। तो एफ वन हमारे पास क्या आएगा, ये लैम्डा वन उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो v ओवर लैम्डा वन। v लैम्डा वन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये लैम्डा वन की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट कर लें। हमारे पास जो है लैम्डा वन की वैल्यू क्या आएगी, ये टू डिवाइड हो रहा उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो कितनी आ जाएगी, टू एल आ जाएगी। तो लैम्डा वन की जगह हम क्या पुट कर देंगे, टू एल पुट कर देंगे। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, वी ओवर टू एल आ जाएगी। क्लियर हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में हमें कुछ वेव इस तरह से मिलती हैं, है ये भी ओपन आर्गन पाइप, क्योंकि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ओपन आर्गन पाइप को। तो ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ, जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वी ओवर टू एल आई है। अब हम बात करते हैं सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशंस के बारे में। अब यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा कि हमें कितने नोड्स मिले, दो नोड्स मिले। दो नोड्स के दरमियान का जो फासला होता है वो कितना होता है, लैम्डा बाय टू। चाहे दो नोड्स लें चाहे दो एंटी नोड्स लें, दोनों का फासला जो है वो क्या होता है, दरमियान वाला लैम्डा बाय टू होता है। एक नोड और ये हमें क्या मिला है, एंटी नोड। एक नोड और एंटी नोड के दरमियान का जो फासला वो कितना है, लैम्डा बाय फोर। इसी तरह ये भी नोड है ये भी एंटी नोड है, इनके दरमियान का जो फासला वो भी कितना है, लैम्डा बाय फोर। तो ये टोटल हमारे पास कितनी है, लेंथ है। अब हम इन तीनों को क्या कर लेंगे, एक ही लेंथ में ऐड कर लेंगे। तो L इक्वल टू लैम्डा बाय फोर
लैम्डा बाय टू प्लस लैम्डा बाय फोर। अच्छा, ये हमारे पास सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, तो हम क्या करेंगे, लैम्डा टू ले लेंगे। ये भी लैम्डा टू, ये भी लैम्डा टू, और ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा टू हमारे पास आ जाएगा। अब हमने करना ये है कि एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आया हमारे पास, फोर आया, तो ये भी लैम्डा टू आएगा। ये टू फोर पे डिवाइड होगा, फिर टू ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास टू लैम्डा टू प्लस लैम्डा टू। इन सब को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारे पास कितना आता है, फोर लैम्डा टू बाय फोर। फोर फोर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा टू हमारे पास आ जाएगी। अब हमने करना है फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, एफ टू। तो एफ टू फ्रीक्वेंसी हमारे पास किस तरह से हम करेंगे, वही वाला फार्मूला हमने लगा लेना है कि एफ वन हमारे पास वी ओवर लैम्डा वन के बराबर थी, तो एफ टू हमारे पास वी ओवर लैम्डा टू के बराबर होगी। अब हमने लैम्डा टू की वैल्यू पुट कर देनी है, वी ओवर लैम्डा टू एल के बराबर है। अब हमने करना ये है, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है कि टू से हमने मल्टीप्लाई करवाना है और टू से डिवाइड। तो एफ टू इक्वल टू, टू से मल्टीप्लाई कर दिया और टू से डिवाइड। ये ऊपर वाले टू को मैं अलग करके लिख लूँ, तो वी ओवर टू एल आएगा। तो वी ओवर टू एल जो है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, वो एफ वन के बराबर होगा। तो एफ टू इक्वल टू टू एफ वन। तो सेक ये हमारे पास जो एफ टू फ्रिक्वेंसी है वो एफ वन से क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक हो गया, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में हमें जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है वो डबल मिलेगी एज कंपेयर टू फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी से। ठीक हो गया, अब जरा आगे बात करते हैं थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसमें हमें कुछ वेव जो है वो इस तरह से मिलती हैं। अब इन इनकी भी ज़रा देखते हैं कितने मोड्स हैं और कितने नोड्स हैं, कितने एंटी नोड्स हैं। ये एक नोड, उसके बाद ये तीसरा नोड हमें मिल गया, ये भी एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड। एक बात याद रखिएगा कि ओपन में हमें एंटी नोड ही मिलेंगे। यहाँ पर पाइप ओपन होगा, वहाँ पर हमें जो है एंटी नोड्स जो है वो मिलेंगे। अब यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास लैम्डा बाय टू, एक नोड से दूसरे नोड लैम्डा बाय टू, उसके बाद दूसरा, इन दोनों के दरमियान का जो फासला है वो भी कितना है, लैम्डा बाय टू। ये इस तरह से मैं ज़रा शो भी करवा देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी लैम्डा बाय टू है, दो नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस लैम्डा बाय टू। ये आगे फिर नोड्स आ गई हैं, फिर लैम्डा बाय टू। अब यहाँ पर ज़रा देखिएगा, एक नोड से एंटी नोड का जो डिस्टेंस है वो कितना है, लैम्डा बाय फोर। एक नोड से ये एंटी नोड का जो डिस्टेंस है वो कितना है, लैम्डा बाय फोर। ये टोटल कितनी है हमारे पास, लेंथ। अब ये थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, तो यहाँ हम लैम्डा थ्री लेंगे। तो लेंथ इक्वल टू लैम्डा थ्री बाय फोर प्लस लैम्डा थ्री बाय टू, लैम्डा थ्री बाय टू प्लस लैम्डा थ्री बाय फोर। अब हमने इनका फिर से एलसीएम लेना है, एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा फोर लैम्डा थ्री प्लस टू लैम्डा थ्री प्लस टू लैम्डा थ्री, उसके बाद लैम्डा थ्री हमारे पास आ जाएगा। अब इनको हम क्या करेंगे, ऐड करते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा, सिक्स लैम्डा थ्री बाय फोर। अब फिर ये टू पे जो है वो कैंसिल होते हैं, ज़रा कैंसिल कर लें, टू थ्री सिक्स, टू टू द फोर, तो ये हमारे पास थ्री बाय टू लैम्डा थ्री वैल्यू आ जाएगी। अब हमें लैम्डा थ्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो लैम्डा थ्री क्या होगा, ये टू डिवाइड हो रहा, उधर जाकर लेंथ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और थ्री मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो लैम्डा थ्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू एल ओवर थ्री हमारे पास आ जाएगी। अब हमने इसी तरह लैम्डा थ्री की फ्रीक्वेंसी भी हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है फ्रीक्वेंसी। इस थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की भी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या था, एफ थ्री इक्वल टू वी ओवर लैम्डा थ्री। अब लैम्डा थ्री की वैल्यू कितनी है, वी ओवर लैम्डा थ्री की वैल्यू पुट कर दें इसमें, टू एल ओवर थ्री। अब थ्री जो है वो ऊपर चला जाएगा, थ्री
वी ओवर टू एल। तो एफ थ्री की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, थ्री इंटू वी ओवर टू एल, और ये हमारे पास जो है वी ओवर टू एल ये किस फ्रिक्वेंसी के बराबर है, ये एफ वन के बराबर होता है। तो इसमें पुट कर देंगे, थ्री एफ वन हमारे पास आ जाएगा। इन तीनों के रिजल्ट से हमने क्या रिजल्ट निकाला, अगर हम देखें एक तरतीब से चल रहे हैं, अगर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो हमारे पास ये फ्रिक्वेंसी है मेन, वैसे ये फ्रिक्वेंसी है। उसके बाद अगर हम सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होती है, डबल हो जाती है। फिर थर्ड की बात करते हैं तो हमें जो है 3 दर्जे वो ज़्यादा मिलती है फ्रिक्वेंसी। तो इसी तरह हमने क्या कंसेप्ट निकाला, अगर हमारे पास एफ एन फ्रिक्वेंसी भी हो तो हमारे पास जो है रिजल्ट क्या आएगा, एन एफ वन के बराबर आ जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। ये था आज का हमारा टॉपिक ओपन ऑर्गन पाइप। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लोज ऑर्गन पाइप के बारे में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।